इस साइड पर ये डिश सेट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी डिश को उठाना है यहाँ पर, वो बोल रहे हैं कि कोई चीज़ यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो फिर ये जो 90% शो हो रही है ना इस वक्त, ये 100% शो हो जाएगी। पौधे लाकर मैंने इसी तरह ये बाहर ही रख दिए हैं, तो यहाँ पर ही पड़े रहेंगे। वो माली आएगा तो वो घास भी काटेगा और साथ ही पौधे लगा देगा। हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज दिलशाद एंड वाचिंग द शामिश्ता व्लॉग्स। गाइस आज संडे का दिन है और दो तीन काम बड़ी देर से रुके हुए थे, तो मैंने सोचा आज वो काम मैं करता हूँ। तो वो कौन कौन से काम है इसके लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो गाइस मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, कल बारिश होती रही है और जो जिस सोसाइटी में मैं इस वक्त रह रहा हूँ इसके इर्द गिर्द काफ़ी ओपन स्पेस है, तो अब तो पंखे भी चलाए तो सर्दी जो है वो फील होती है। तो गाइज आज के दिन की मैं सारी रूटीन आपसे शेयर करता हूँ कि मैं कौन कौन से काम करने लगा हूँ। गाइज एक काम जो है वो ये डोर्स हैं फर्स्ट फ्लोर के, तो सेकंड फ्लोर के डोर सारे लग चुके हैं। तो फर्स्ट फ्लोर के डोर्स का डिज़ाइन है वो डिफरेंट हमने चूज़ किया है, तो वो भाई ने आना है सारे डोर्स लेकर, वो आएगा बनाकर तो वो एक दफ़ा यहाँ पर आकर फिट कर देगा। तो आज का उसका टाइम है। ये मेन डोर है, मेन डोर जो है वो हमने बहुत ही माशाल्लाह अच्छा सिलेक्ट किया है, तो आपको पिक्चर भी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो नीचे जितने भी रूम्स हैं उन सब में डोर्स लगने वाले हैं। ये देखें माशाल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है और बारिश वाला ही मौसम है। और चलें आपको बताते हैं कि दूसरा काम कौन सा है। गाइस मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि गार्डनर आया था, उसने यहाँ पर घास लगाई थी। तो यहाँ पर जब घर बन रहा था तो जो बजरी पत्थर वगैरह यहाँ पर थे तो ये अच्छी तरह साफ़ करवाया पहले एरिया, उसके बाद जो है यहाँ पर मिट्टी वगैरह फिर डलवा कर और फिर ये घास लगवाई थी। तो अब ये घास एक तो बड़ी हो चुकी है, तो गार्डनर आ रहा है, उसने सबसे पहले आकर ये तो घास काटनी है। दूसरा ये बात है कि मैंने जाना है नर्सरी, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस व्लॉग में कि यहाँ पर और इस साइड पर दोनों साइड्स पर जो है वो पौधे लगेंगे। अभी मैं थोड़ी देर तक करने लगा हूँ ब्रेकफास्ट और फिर ये काम शुरू करते हैं। देखते हैं कौन कौन से काम आज होते हैं, देखते हैं कौन कौन से काम स्किप होते हैं। मेरी तो कोशिश है सारे काम हो, क्योंकि जो गार्डनर ने आना है उसने अपना काम करना है, जस्ट उसको पौधे ला कर देने हैं। उसके बाद जो सेकेंड काम था वो ये है कि वो डोर्स हैं वो भी वो भाई ने लगा रहे हैं। तो जो मेरे रेलिवेंट काम है वो मुझे जाना पड़ेगा मार्केट, तो डिश लेने टीवी लेने। तो मैं देखता हूँ थोड़ी देर तक निकलता हूँ, अभी तो नाश्ता करूँगा। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, हवा चल रही है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी वॉक करने के लिए घर से थोड़ा सा दूर आया हूँ। गाइस मैं गुआना बाज़ार आ चुका हूँ, आज संडे है जिसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा है। वैसे भी लॉकडाउन यहाँ पर फैसलाबाद में होता है जुमा हफ्ता, फिर इतवार को जो है वो एक छुट्टी की वजह से, दूसरा ये लॉकडाउन जब ख़त्म होता है तो उसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा है। गाइस वो है क्लॉक टावर जिसको हम घंटाघर चौक बोलते हैं, और ये है गुआना बाज़ार, और जो मार्केट है फिश की वो इस साइड पर है। बहुत बड़ी मार्केट है। फिश का पूछा इनसे तो इन्होंने बोला है कि 6500 की मिलेगी जो लेटेस्ट है, जिसमें HD सारे चैनल आएंगे, पाकिस्तानी इंडियन सारे, जिसमें डिशें दो लगेंगी, LLB और वायर भी देंगे, केबल जिसको हम बोलते हैं। तो ओवरऑल पैकेज इन्होंने बनाया हुआ है 6500 का। तो और भी अभी शॉप्स हैं वो भी विज़िट करते हैं, आप देख लें। ये मेरे पीछे ये गुआना बाज़ार है, ये देखें कितना रश है इस बाज़ार में। जी गाइस ये काफ़ी रिसीवर्स इन्होंने दिखाए हैं, तो मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं, कोई 4000 का है, कोई 5 का है, कोई 3500 का है। तो ओवरऑल ये भाई हैं, इन्होंने पैकेज बना कर दिया। ये एक डिश है तो इसमें सारे इंडियंस आएंगे। हाँ जी ठीक है, मैं शॉप पर आया हूँ। बहुत ये देखें बड़ी शॉप है। फैसलाबाद मैं कटाता ना, मेरा अजे सफर का बहुत फर्क है।
हो गया, रिसीवर चेक करना सेटिंग कर दियो भाई। हो गई है? अच्छा लाइन अब एक्टिव हो गई है। गाइस डिश हमने बाय कर ली है और जिस भाई ने आकर इसकी सेटिंग करनी है तो उसका नंबर भी ले लिया, उसको बता भी दिया और वो पहुंच रहा है। तो चलें आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं कि डिश सेट कैसे करते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि जो दूसरा काम था वो था नर्सरी, मैंने जाना था तो रास्ते में नर्सरी यहाँ पर देखी है मैंने, तो अब मैं यहाँ से पौधे खरीदने लगा हूँ जो हमने जो ग्रीन बेल्ट है घर के बाहर जो बना हुआ वहाँ पर लगा, जो मैंने आपको बताए थे। तो पौधे जो हैं वो लेने हैं जो फूलदार लेने हैं। जो पहले मैं पौधे यहाँ से लेकर गया था तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा थी, तो ये बाहर ग्रोथ वाले नहीं लेने, जस्ट ये कि फूलदार पौधे। तो चले देखते हैं कौन से पौधे हम खरीदते हैं। ये देखें गाइस कितने पौधे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के। ये देखें इन्होंने गमलों में भी लगा के रखे हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह ग्रीनरी देखकर तो वैसे ही जो है वो मज़ा आ जाता है। इस साइड पर भी हैं, तो हमने घर के बाहर लगाने हैं तो देखते हैं कौन से खरीदते हैं। ये देखें ऊपर इन्होंने तरपाल लगाई हुई है, बड़ी केयर करनी पड़ती है। भजन ये कौन सा पौधा? हाँ जी बॉल। अच्छा एक गमला किन्ने का? अच्छा जी एक गमला किन्ने का? एक 600 रुपये का एक गमला बोल रहे हैं जी। ये गाइस पौधे हमने बाय कर लिए हैं। हाँ जी भाई जान ये कौन कौन? हाँ जी एबिस्कस। एबिस्कस अच्छा जी। और ये वाला? अच्छा और ये? ठीक है। तो ये कितने कितने के? ये 300 के बने। ठीक हो गया। पौधे लाकर मैंने इसी तरह ये बाहर ही रख दिए हैं, तो यहाँ पर ही पड़े रहेंगे। वो माली आएगा तो वो घास भी काटेगा और साथ ही पौधे लगा देगा। गाइस घर में आ चुका हूँ डिश टीवी बाय करके। रास्ते में जो है वो मैं नर्सरी गया था, वहाँ से मैंने पौधे बाय किए हैं। तो दो काम मैं कर आया हूँ। तो पौधे जो हैं वो गार्डनर को फ़ोन कर दिया है, वो बोल रहा है कि मैं कल सुबह आऊँगा और पौधे लगा दूँगा। तो वो गमलों में लिए थे पौधे, तो इसी तरह ही फिर मैंने रख दिए हैं। इस साइड पर ये डिश सेट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी डिश को उठाना है यहाँ पर। वो बोल रहे हैं कि कोई चीज़ यहाँ पर देनी पड़ेगी, तो फिर ये जो 90% शो हो रही है ना इस वक्त, ये 100% शो हो जाएगी। गाइस डिश सेट हो चुकी है, अब हम नीचे जा रहे हैं। तो आज के दिन तो दिन के जो जितने भी काम थे ना वो सारे तकरीबन हो चुके हैं, तो अब नीचे जा कर सेटिंग करते हैं। और मैं भी इस वक्त बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, दोपहर का तकरीबन इस वक्त 3:30-4:15 हो गए हैं। तो अभी दोपहर का खाना खाता हूँ, तो इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मेरी दुआ में याद रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।